तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमस्ते या नमस्कार करने के पीछे का रीजन। भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में और अब तो काफी एशियन कंट्रीज में और दुनिया भर में हम लोग ग्रीट कर रहे हैं नमस्ते द्वारा। दोनों हाथों को आपस में मिला के, हाथ जोड़ के, सर को नीचे झुका के और हम लोग नमस्ते शब्द का यूज कर रहे हैं। बहुत कॉमन है, हम लोग सब करते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों करा जाता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो नमस्ते जो यह शब्द है वो एक संकेत है मान सम्मान के अद्भुत अभिवादन का। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैसे मैंने बताया काफी एशियन कंट्रीज में, पूरे भारतवर्ष में एक किसी से भी हम मिलते हैं तो नमस्ते के माध्यम से हम ग्रीट करते हैं। 16 उपचारों में इसको शामिल किया गया है हिंदू धर्म में, और इसके अलावा इसको कई सारे रीति रिवाजों में, क्रियाकलापों में देखा जा सकता है, जैसे पूजा पाठ के समय, मंदिरों में भगवान के प्रति भक्ति के रूप में, भारतीय नृत्यों में और बहुत सारे योगासनों में आप नमस्ते संकेत को आप देख सकते हैं। तो शास्त्रों में खाली एक यही अभिवादन नहीं है, 5 अलग अलग तरह के अभिवादन बताए गए हैं। ऑफकोर्स नमस्कार इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वन, बट जो 5 अलग अलग तरह के अभिवादन है वो है आपका प्रत्युत्थान, जो कि किसी के स्वागत में उठकर खड़े होना, नमस्कार हाथ जोड़कर सत्कार करना, उपसंग्रहण बड़े बुजुर्ग शिक्षक के पांव छूना, साष्टांग पांव घुटने पेट सिर और हाथ के बल जमीन पर लेटकर सम्मान करना, और प्रत्याभिवादन मतलब कि अभिनंदन का जवाब अभिनंदन से देना। वैसे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो हम नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, दोनों हाथलियों का आपस में जोड़कर, ठीक है, अंगूठे सीने से चिपका के, सर को थोड़ा सा झुका के, विनम्र भाव से हम लोग नमस्ते का संकेत देते हैं और मुंह से बोलते हैं। तो नमस्ते शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, नमः और अस्ते। नमः शब्द इसको आप उस ऊर्जा से जोड़ के देख सकते हैं जिस पे आप बिलीव करते हैं, जैसे भगवान, सकारात्मकता, आपके गुरु या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मानते हैं, जिसको आप बिलीव करते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं। और अस्ते का सीधा मतलब होता है बसना। तो हम ये विश्वास करते हैं कि वह जो ऊर्जा, जो सकारात्मकता, जो भगवान हमारे अंदर वास करते हैं, वही सेम सकारात्मकता, वह ऊर्जा, वह भगवान सामने वाले के अंदर वास करते हैं। तो उस सोच को ध्यान में रखते हुए हम दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं और उस ऊर्जा, उस दिव्य ज्योत, उस मन में बसने वाले भगवान को सर झुकाकर आदर देते हैं और विनम्र भाव से हम नमस्ते बोलते हैं। तो मुख्य रूप से बोला जाए तो हिंदू मान्यताओं के हिसाब से हर व्यक्ति में भगवान बसते हैं, और उस आस्था को बिलीव रखते हुए हम उस आत्मा को प्रणाम करते हैं जो परमात्मा के समान है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको हम देखें तो इस अभिवादन के माध्यम से मनुष्य दूसरे के सामने अपने अहंकार को छोड़ रहा है और विनम्रता पूर्वक उसको एक आदर, प्रेम, इज्जत और सम्मान भेंट कर रहा है। तो भारत देश के अलावा काफी सारी एशियन कंट्रीज में पहले से ही नमस्ते द्वारा अभिवादन किया जा रहा था, लेकिन कोविड के बाद आपने देखा होगा दुनिया भर में लोग इसे अपनाने लगे हैं, जो अपने आप में एक गर्व की बात है। संक्रमण से दूर रखने के लिए भी एक बहुत अच्छा अभिवादन का तरीका है, भले ही लोगों को इसका अर्थ नहीं पता हो, लेकिन स्टिल पीपल्स आर यूजिंग दिस एज अ ग्रीटिंग जेस्चर विच इज रियली वेरी ग्रेट। तो आप सब लोग इसको अपनाएं, इसके महत्व को समझें, इसको करने के पीछे का रीजन को समझें और औरों को भी बताएं, और गर्व से अपनी संस्कृति पे गर्व करते हुए नमस्ते करना ना भूलें। नमस्ते, जय हिंद।